नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज रिकमेंड करने जा रहे हैं। यूं समझो वो एक कवच है, बिल्कुल कवच है। चाहे अंडकोश में प्रॉब्लम की बात हो, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर की बात हो, वीर रक्षा की बात हो, वीरवान बनने की बात हो, खास करके जो पुरुष हैं उनके लिए ये एक कवच है। यही कवच आपके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। इसके पीछे का विज्ञान भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, प्राचीन विज्ञान भी समझाने वाला हूँ, और इसे व्यवहार में लेने से आपको क्या फायदा होगा वो भी बताऊंगा, और कहाँ से इसे प्राप्त करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, काम की वीडियो है, क्योंकि आपको काम की चीज मिलने वाली है। पता है ऋषि मुनि लोग लंगोट क्यों पहनते थे? ऐसा मत समझना कि ओनली ऋषि मुनि लोग ही लंगोट पहनते थे, पहले के ज़माने में घर गृहस्थी वाले भी लंगोट पहनते थे। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जो ऋषि मुनि लंगोट में घूमते हैं ना, उनको आप हल्के में मत लेना। लंगोट बहुत बड़ा बायोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है आपके शरीर में। जी हाँ दोस्तों, लंगोट क्या करता है, आपका जो जेनिटल है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसे सिक्योर करके रख देता है। उसे इस तरीके से सिक्योर करता है, जो अंडकोश है उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही है, उसमें जो वीर नाड़ी है उस पर भी दबाव पड़ता है। वीर नाड़ी के ऊपर जब दबाव पड़ जाता है तो क्या होता है, जादू हो जाता है। ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर में एक बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती रहती है। जहां जहां आपकी सोच जाएगी, जहां जहां आपकी थिंकिंग जाएगी, वहां वहां वो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती रहती है। अगर आपके मन में किसी चीज को देख करके गलत विचार उठता है, गलत इच्छाएं उठती है, तो क्या होता है, बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां चली जाती है। फिर क्या होता है, वही बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी उस इच्छाओं को और ज्यादा एक्टिवेट करके पावरफुल बना देती है, और आप वही काम करते हैं। अगर आपकी थिंकिंग नीचे है तो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी नीचे जाएगी, नीचे फ्लो होगी। अगर आपकी थिंकिंग हायर है, अच्छी थिंकिंग है, अपने गोल पर है, तो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊपर फ्लो होती है और आपको वैसे ही मदद करती है। लंगोट पहनने से क्या होता है, बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है नेचुरली ही ऊपर की तरफ फ्लो करती रहती है। सपोज आप बाहर जाते हैं, कुछ ऐसी चीज दिख जाती है, ऑपोजिट सेक्स को आप देखते हैं, आपके मन में गलत विचार चलते हैं, आपका दिल कहता है गलत चीज है, मैं गलत सोच रहा हूं, फिर भी आप उस थॉट फ्लो को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप लंगोट पहनेंगे ना, तो क्या होगा, जो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी है नेचुरली ही ऊपर फ्लो कर रही है, तो जो थॉट, जो सेक्सुअल थॉट पहले आता था, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब सेक्सुअल थॉट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो आप अपने आप को संभाल पाएंगे। आपके मन में किसी भी चीज को देखकर भी इतनी आसानी से गलत विचार नहीं उठेगा। शायद इसी कारण से ही पहले के जमाने में 25 साल तक ब्रह्मचर्याश्रम में हर युवाओं को लंगोट मैंडेटरी था ही था, सबको पहनना पड़ता था, और इसीलिए वो वीर रक्षा में इतना सफल होते थे, उनके अंडकोश में भी कोई समस्या नहीं आती थी। बाहर जाते थे तो नेचुरली ही किसी भी महिला को वो देखते थे, किसी भी सुंदर स्त्री को वो देखते थे, तो उनके मन में गलत विचार नहीं उठता था, वो उन्हें भी अपनी माँ और बहन की तरह देखते थे। एक तो संस्कार का भी हाथ है, दूसरा ये जो कवच है ना, इसका भी अंदर ही अंदर असर होता था। इस कवच को जरूर आप लोग पहने, चाहे आप शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, सबके लिए ये कवच
जादू की तरह है। जी हाँ दोस्तों, इस कवच को आप 24 आवर्स पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल क्या है ना, लोग ज्यादा से ज्यादा अंडरवेयर पहनते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लंगोट पहनते हैं। ये मत समझना कि कोई साधु है, सन्यासी है, कोई संत है, कोई ब्रह्मचारी है, वो ही लंगोट पहनता है, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत लोग, घर गृहस्थी वाले भी लंगोट पहनते हैं। आप अगर अंडरवेयर से 10% फायदा उठा रहे हो ना, लंगोट से आप 50% बेनिफिट्स को बढ़ा सकते हो। बेनिफिट्स क्या है? अंडकोश की तकलीफ दूर हो जाएगी, सेक्सुअल डिजायर जो है कंट्रोल हो जाएगी, वीर्य रक्षा में मदद मिलेगी, और वीर्यवान बनने में लंगोट एक जादू की तरह है। वीर्य रक्षा करने में लंगोट एक सुरक्षा कवच की तरह है। तलवारबाजी करते हैं ना, ढाल से तलवार को रोकते हैं ना, अपनी सुरक्षा के लिए ही ना, ये भी एक कवच है। इसे समझने की कोशिश करें, इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करें, और इसे इग्नोर ना करें। अगर आप 60% ही अपने वीर की रक्षा कर पा रहे हैं अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से, अगर आप लंगोट पहनेंगे तो ये 60% को आप 90% तक इंक्रीज कर सकते हैं। अगर अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो 100% भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे अच्छी बात ये है कि ये लंगोट कोई भी सिला सकता है। आप टेलर के पास जाएंगे, वो भी बना के दे देगा। अगर आपको रेडीमेड लंगोट चाहिए बने बनाया, तो आपके लिए हमने एक लिंक दी है, उस लिंक में विजिट करें, लंगोट घर पे मंगाएं बहुत ही कम खर्चे में। एक जनरल से क्वेश्चन आता है कि जो घर गृहस्थी वाले हैं, शादीशुदा हैं, वो अगर स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे, लंगोट पहनेंगे, तो गृहस्थी जीवन खराब हो जाएगा। गृहस्थी जीवन नहीं खराब होगा। घर गृहस्थी वाले भी अगर लंगोट पहनेंगे, उनकी वासना कंट्रोल हो जाएगी। पहले लस्ट में जीते थे, यानी कि अपनी पत्नी को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखते थे, उसकी कंडीशन को नहीं देखते थे। उसका हेल्थ कैसा है वो देखना नहीं है, उसका मेंटल स्टेट को देखना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, बस वासना में जीना है। कभी भी मन में इच्छा हुई तो अपनी इच्छा को पूरी कर लो, ये मत देखो कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक स्त्री को सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर ही नहीं चाहिए, उसे प्यार भी चाहिए होता है। जितना ज़्यादा आप प्यार को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी वासना कम हो जाएगी। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 90% पुरुषों की यही समस्या है। उनकी खुद की इच्छा है कि बस मैं अपनी वासना में जीऊं, मैं बस अपनी सेक्सुअल इच्छा को पूरी कर लूं, और एक स्त्री के ऊपर थोप देते हैं कि तुम ही मांग रखती हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वासना को बढ़ावा देने के बजाय प्यार को बढ़ावा देते हैं, तो स्त्री की जो शारीरिक मांग रहती है वो कम हो जाती है। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, विद्वानों की भाषा को अगर आप समझेंगे, तो यही सत्य आपको समझ में आएगा। लंगोट पहनने से आपकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाएगी, जाएगी भी तो भी आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। और ये सच्चा प्रेम है कि आप विचारों से भी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं। आपकी अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी आप गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं, ये सच्चा प्यार है। अवैध संबंध बनाना तो बहुत बड़ा धोखा है ही अपनी पत्नी के साथ, लेकिन अगर मन से भी आप विचार करते हैं वो भी एक धोखा ही है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं, घर गृहस्थी वाले इस लंगोट को जरूर पहने, और अपने अंडकोश की तकलीफ को भी दूर करें, सेक्सुअल डिजायर को भी कंट्रोल करें, वासना को भी कंट्रोल करें, वीर की रक्षा करें। जिस समय पर इसका जैसा उपयोग होना चाहिए वैसा उपयोग करें। तो लंगोट को लेने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, सबके लिए लंगोट रिकमेंडेड है, चाहे कोई शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।